नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजमा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने क्षेत्र से, जिले से पत्रकार बनना चाहते हैं, आप जिले से पत्रकार किस भाषा में बने ये तय करना आपको है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम, कन्नड़ या अन्य कोई भाषा, आप अपने क्षेत्र से पत्रकार बन सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र से, तहसील से पत्रकार बनने के लिए ई खबर डिजिटल मीडिया अपने ब्यूरो नियुक्त करता है, अपने रिपोर्टर नियुक्त करता है, अपने संवाद सूत्र और वीडियो जर्नलिस्ट काम कर रहे होते हैं। इसलिए आज ही गूगल पर जाएं, ई खबर प्रेस आईडी कार्ड करें सर्च और अपना फ्री निशुल्क प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त करें और जिले से बन जाएं पत्रकार, वो भी वैलिड तरीके से। वैलिड कैसे? क्योंकि संस्थान का आरएनए होना चाहिए। हमारा दैनिक पेपर राजधानी खबर, हमारी मासिक पत्रिका इंडिया वाणी और हमारा डिजिटल पोर्टल ई खबर लगातार 10-11 वर्षों से काम कर रहे हैं और यही विश्वास है कि हमारे देश और दुनिया में सब जगह हमारे ब्यूरो और रिपोर्टर्स नियुक्त हैं। हम उनसे लगातार खबरें लेते रहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, साथ ही साथ उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे ब्यूरो, हमारे संवाद सूत्र छोटी छोटी खबरों को बड़ी शालीनता से निकालने की कोशिश करते हैं और उस खबर का इम्पैक्ट यानी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ई खबर वही जो रखे दुनिया पर नजर। इसलिए अगर आप आसपास जो भी घट रहा है, जो भी सूचना है, जो भी समाचार है, उसे आप बाकायदा संपादित करें, उसको अच्छे से लिखें और हमें भेज दें। हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी news@ekhabar.in और फिर उसका देखिए असर। अब बात करते हैं कि सर, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अथवा पैन कार्ड, दो में से कोई एक। उसके बाद आपकी मार्कशीट, बायोडाटा यानी आपका रिज्यूमे होना चाहिए, पूरी जानकारी इसमें लिख सकते हैं। हाँ, कभी संवाद सूत्र होते हैं वो अपना रिज्यूमे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, लास्ट में लगा कि आपका एक साइन, एक कागज पर साइन कर लें, मार्कशीट अपनी लास्ट वाली वो फोटो खींच के अपलोड कर दें, आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वहां पे पूछा जाता है, आप भरेंगे और उसके बाद खबरें भेजना प्रारंभ कर दें। खबरें व्हाट्सएप ना करें, खबरें हमें भेजें news@ekhabar.in पर, वहां पर हमारी टीम खबरें देखेगी और उसके बाद खबरों को ब्रॉडकास्ट करेगी या पब्लिश करेगी। और जब आपकी खबरें शुरुआत में, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको लिखित में खबर देना अनिवार्य होता है, चाहे वो वीडियो जर्नलिस्ट हो या किसी फील्ड के पत्रकार हो, लिखना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप अपने जिले से पत्रकार बनना चाहते हैं तो 10 खबरें 10 दिन के अंदर दीजिए, 1, 2, 3, 4 जितनी भी खबरें आप दे सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 10 खबरें 10 दिन के अंदर देना अनिवार्य है। इसलिए अगर आप पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो ई खबर डिजिटल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जुड़कर एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए आज ही अपना आवेदन करें और जिले से पत्रकारिता कर सकते हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8871102710 यानी कि 88-710-22710 पर। मैं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी यथासंभव मदद करूंगा और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि आप कहीं से भी रहकर अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो संस्थान से जरूर जुड़िए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, कुछ फ्रेशर होते हैं, इन सब के बीच में तालमेल बिठाने का काम ई खबर डिजिटल मीडिया कर रहा है और साथ ही साथ में जो फ्रेशर हैं, जो नए लोग हैं, उनको हमारी एक्सपीरियंस टीम अपने अनुभव शेयर करती है, जिससे कि दोनों फील्ड में आ रही समस्याओं को आसानी से सलूशन पा लेते हैं। यानी जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हो तो आसान काम नहीं होता, और ये आसान काम अगर ई खबर डिजिटल मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है और आसानी से ये काम किया जा सकता है। इसलिए आप बेझिझक काम कर सकते हैं और अपने आसपास की खबरें हमें भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए www.ekhabar.in विजिट करें या मुझे कॉल करें 88-710-22710 पर। हमारा चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इधर बेल आइकन है उस पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारी चीजें अपडेट हमेशा मिलती रहें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।